हे गाइस, बस सो वेलकम बैक टू माय पेज। दोस्तों, ये है सैमसंग का 4 सीरीज का स्मार्ट टीवी। इसका नाम है सैमसंग 4 सीरीज T4340। गाइस, ये है 32 इंच का स्मार्ट टीवी, जिसे करेंगे अनबॉक्स और चेक करते हैं टीवी कैसे वर्क करता है, इसके फीचर्स क्या हैं और इस बॉक्स में हमें क्या कंटेंट मिलता है। तो गाइस, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है हमारा सैमसंग का स्मार्ट टीवी जो कि मैंने बाय किया है ऑनलाइन अमेजोन से। इसका प्राइस था 13,000 रुपये। इसका लिंक मैं ड्रॉप कर दूँगा, जैसे आप प्रॉपर देख पाएंगे इस टीवी की जो डिटेल्स हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं मेरे लिंक के थ्रू, और वहाँ पर आपको अच्छे ऑफर मिल जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे प्रॉपर देख पा रहे हैं, फर्स्ट थिंग मिलती है एक बुक जिस पे लिखा हुआ है टीवी के बारे में। नेक्स्ट थिंग हम चेक करते हैं, यहाँ पर मिलता है एक टेबल माउंट का ऑप्शन। नेक्स्ट थिंग देखते हैं तो कैसे मिलता है आपको रिमोट सिस्टम, कुछ चीज़ें मिल रही हैं इसको प्रॉपर चेक करेंगे बाद में। और आगे जाकर चेक करते हैं, यहाँ मिलता है आपको फिर से टेबल माउंट का ऑप्शन। यहाँ पे आपको दो मिलते हैं टेबल माउंट का ऑप्शन। तो कैसे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा स्मार्ट टीवी जो कि ब्लैक कलर का स्मार्ट टीवी है। गाइस, यहाँ पे अगर बात करें टीवी का जो वेट है, गाइस वो है अराउंड 3 किलो का, मतलब 3 kg का वेट है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्लैक कलर का स्मार्ट टीवी है ये, जो कि सैमसंग का 32 इंच का स्मार्ट टीवी है। इसका नाम है सैमसंग 4 सीरीज T4340, इसका मॉडल नंबर है। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है सैमसंग टीवी के बारे में, यहाँ पे हम इसको बाद में चेक करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या फंक्शन मिल रहे हैं स्मार्ट टीवी में। यहाँ मिलता है आपको 2-स्टार का ऑप्शन। तो गाइस, बेसिकली ये होता है कि आपकी बिजली में कितना सेव करेगा ये 2-स्टार या 3-स्टार होता है। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट थिंग आपको दिखाऊँ तो गाइस, यहाँ बैक पे आप देख पाएंगे इस टीवी के बैक साइड पे, यहाँ मिलता है आपको वॉल माउंट का ऑप्शन। यहाँ पे कंपनी आपको दे रही है ऑप्शन वॉल माउंट के लिए इस टीवी में, और नीचे देख पा रहे हैं कुछ QR कोड का ऑप्शन दिया गया, वो हमारे काम का नहीं है। तो अब यहाँ पे आप प्रॉपर देख पा रहे हैं टीवी का जो बेजल है गाइस वो काफ़ी लेस है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया गया, और जो व्यू एंगल गाइस वो काफ़ी अच्छा दिया गया, 178 डिग्री का व्यू एंगल दिया गया इस टीवी में। तो नीचे मैं आपको देखूँ तो प्रॉपर यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ ऑप्शन दिया गया टीवी नीचे ऑन एंड ऑफ करने का, यहाँ पे आप प्रॉपर टीवी को ऑन एंड ऑफ कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको देखूँ प्रॉपर इसके स्पीकर दिखाता हूँ। तो गाइस, इसके स्पीकर यहाँ मिलता है आपको 20 वोल्ट के स्पीकर, जो कि 10 वोल्ट के दो स्पीकर दिए गए जो कि नीचे हैं टीवी के। अगर गाइस स्पीकर नीचे टीवी तो गाइस आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी देंगे स्पीकर की, जो ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आएगी आपको इस टीवी में। यहाँ मिलता है आपको टेबल माउंट का ऑप्शन, आपकी मर्जी है टेबल माउंट कीजिए या वॉल माउंट कीजिए, यहाँ पे कंपनी आपको दोनों ऑप्शन देती है। तो गाइस, यहाँ पे प्रॉपर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पीछे आप देख पा रहे हैं, यहाँ मिलता है आपको USB, यहाँ आपको मिलता है 2 USB का ऑप्शन मिलता है, 2 HDMI का ऑप्शन मिलता है, एक मिलता है RF का ऑप्शन, और एक मिलता है आपको स्पीकर जो कि आप लगाते हैं हेडफोन का ऑप्शन। तो गाइस, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कंपनी आपको कुछ जो QR कोड देती है। बेसिकली ये होता है कि जब आपके घर में एक इंजीनियर आता है तो प्रॉपर टीवी को इंस्टॉल करता है, इसकी फोटो क्लिक करेगा ताकि वो प्रॉपर टीवी को इंस्टॉल कर पाएगा। यहाँ पे आप प्रॉपर देख पा रहे हैं गाइस, प्रॉपर टीवी का सेटअप जो हो चुका है कंप्लीट। इसका मैंने आपको एक वीडियो बना के दी है कैसे इंजीनियर घर पे आता है, इस टीवी को प्रॉपर इंस्टॉल करता है, उसकी भी वीडियो मैं ड्रॉप कर दी मैंने अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ पे आप ऊपर देख पाएंगे आई बटन पे कैसे इंजीनियर ने इस टीवी को प्रॉपर इंस्टॉल किया था, कैसे कैसे सारा जो चीज़ें प्रोसेस शुरू हुआ था। तो गाइस, हमारा टीवी जो हो चुका है प्रॉपर सेटअप हो चुका है, वॉल पर लग चुका है, और टीवी की जो इंस्टॉलेशन है वो पूरी हो चुकी है। तो मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ कैसे कैसे टीवी जो है वो देखने में कैसा है। तो गाइस, यहाँ पे प्रॉपर देख पा रहे हैं इसकी फर्स्ट लुक है टीवी की, वो देखने में ऐसा गाइस थोड़ा सिंपल लुक है। जहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका जो UI है काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं आपको सारे ऑप्शन में देखने मिलते हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम, एप्पल टीवी का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन दिया गया है, यूट्यूब का ऑप्शन दिया गया है। तो गाइस, ये एक स्मार्ट टीवी है, ये एक एंड्रॉइड टीवी नहीं है, ये एक स्मार्ट टीवी है। और यहाँ पे सैमसंग की अपनी एप्लीकेशन होती है जो आपको देता है सैमसंग। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ फर्स्ट थिंग जो है इसका जो पिक्चर क्वालिटी है, जहाँ पे सेटिंग पे आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर सेटिंग दी गई है आपको। कुछ इसमें ज़्यादा सेटिंग नहीं है गाइस, बहुत कम सेटिंग दी गई है, लेकिन गाइस ये टीवी काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये इंडिया में बना है, इंडिया का स्मार्ट टीवी है, ये सैमसंग का स्मार्ट टीवी है। इसका प्राइस है 13,000 रुपये और 32 इंच का स्मार्ट टीवी है। इसको मैंने बाय किया अमेजोन से, इसका लिंक मैं ड्रॉप करता हूँ, जैसे आप ऊपर देख पाएंगे आपको यहाँ पे अच्छे ऑफर देने को मिलेंगे। तो गाइस, यहाँ पे देख पा रहे हैं ज़्यादा सेटिंग दी गई इसके टीवी में, बहुत नॉर्मल सेटिंग दी गई है। अगर बात करें पिक्चर क्वालिटी की या बात करें ऑडियो की, यहाँ पे आप ऊपर देख पाएंगे सेटिंग में जाके। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा दिखाया था कि कैसे कैसे ये देखने में कैसा है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें मिल रही है स्मार्ट टीवी में। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया गया स्मार्ट टीवी में। और इसकी हम अपडेट्स चेक करेंगे क्या क्या लेटेस्ट इसमें अपडेट्स मिल रहे हैं हमें सैमसंग के स्मार्ट टीवी में, जो कि सैमसंग का 4 सीरीज का स्मार्ट टीवी है, लेटेस्ट टीवी है, उसका मॉडल नंबर है T4340। तो गाइस, अगर बात करें इस टीवी के बारे में, गाइस ये है एक LED टीवी, जहाँ मिलता है LED पैनल मिलता है इस टीवी में, और ये एक HD क्वालिटी का स्मार्ट टीवी है। यहाँ पे कंपनी आपको देती है 1 ईयर की वारंटी देती है इसके साथ। और ये अगर बात करें इसमें आपको क्या क्या सामान मिला था, यहाँ आपको मिलता है एक टीवी मिलता है, एक रिमोट मिलेगा आपको, 2 बैटरी मिलती है, टेबल माउंट का ऑप्शन मिलता है आपको, आपको बाकी इसकी यूजर मैनुअल वारंटी कार्ड मिलता है आपको इस टीवी के साथ साथ। तो गाइस, ये स्मार्ट टीवी है। और अगर बात करें टीवी के बारे में, ये एक अल्ट्रा स्लिम टीवी नहीं है पहली बात तो, और आप सोच रहे हैं कि ये स्लिम टीवी है, ये कोई स्लिम टीवी नहीं है। यहाँ पे आपने प्रॉपर देखा टीवी की बैक पे जाके, और यहाँ आपको मिलता है हाई डायनामिक रेंज की क्वालिटी मिलती है, जो कि एक
HDR क्वालिटी का ऑप्शन मिलता है आपको इस फीचर में साथ। तो गाइज़ ये 32 इंच स्मार्ट टीवी है। अगर हम नेक्स्ट चीज़ चेक करते हैं टीवी में आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको कंपनी देती है कंप्यूटर को अटैच करने का ऑप्शन। अगर आपके पास लैपटॉप आपके पास कुछ लैपटॉप है या आपके पास कंप्यूटर है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर देख पा रहे हैं आपको रिमोट एक्सेस का ऑप्शन मिलता है टीवी में, जहाँ पे आप अपने कंप्यूटर को अपने लैपटॉप को इसके साथ लगा पाएंगे अपने टीवी पे। तो गाइज़ अगर नेक्स्ट थिंग चेक करते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसे है, हम यूट्यूब को ओपन करते हैं। यूट्यूब को ओपन करने के बाद जहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी हम प्रॉपर क्वालिटी चेक करते हैं, कैसे साउंड क्वालिटी आती है इस टीवी में, जो कि 20 वोल्ट के जो स्पीकर दे रही है कंपनी आपको इस टीवी के साथ, जो कि टीवी के नीचे दिए गए हैं, यहाँ पे आप सब प्रॉपर देख पाएंगे। तो गाइस नेक्स्ट थिंग चेक करते हैं गाइस इसका जो रिमोट सिस्टम आप देख पा रहे हैं गाइस, ये इसका रिमोट सिस्टम है जो कि एक स्मार्ट रिमोट है, जहाँ पे कंपनी आपको सारे फंक्शन दे रही है अपने रिमोट सिस्टम में। जहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ हॉट कीज़ दी हुई है, नेटफ्लिक्स हो गया, जी हो गया, या प्राइम की बात करें। लिंक गाइस में आपको गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको मैनुअली सर्च करना पड़ेगा। आपको यहाँ बटन्स दिए गए हैं मैनुअली, आपको बोल के कुछ काम नहीं हो पाएगा आपके इस रिमोट सिस्टम में। और ये जो रिमोट है ये ब्लूटूथ रिमोट नहीं है। यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं दो बैटरी मिलती है यहाँ पे, जो कि ट्रिपल ए बैटरी है, जो कि कंपनी आपको बैटरी देती है इसके साथ। तो गाइज़ ये यहाँ पे प्रॉपर देख पा रहे हैं एक फुली स्मार्ट रिमोट है, जहाँ पे आपको रिमोट के थ्रू जो है प्रॉपर चला पाएंगे टीवी को। यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है इस टीवी में, और इस टीवी में इस रिमोट में। तो गाइज़ देख पा रहे हैं ये एक फुली ब्लूटूथ टीवी है, यहाँ पे आपको वाईफाई का ऑप्शन मिलता है। आपके पास घर में वाईफाई लगा होता है, इस वाईफाई को यूज़ कीजिए और टीवी को आप चला पाएंगे। और इसमें मिलता है आपको, जो अगर बात करें फीचर्स को लेकर, तो यहाँ पर मिलता है आपको डिस्प्ले मिररिंग का ऑप्शन। आपके पास अगर फ़ोन है तो अपने फ़ोन को टीवी से लगा पाएंगे, कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कैसे कैसे अपने फ़ोन को अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी आपको फीचर दे रही है मिरर कास्ट करने का अपने इस स्मार्ट टीवी में। तो गाइस ये था स्मार्ट टीवी हमारा, 32 इंच का स्मार्ट टीवी, यहाँ पे आप प्रॉपर देख पा रहे हैं। अगर बात करें ऐप्स की, तो यहाँ पे सैमसंग का एक अपना ऐप स्टोर है इसका, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे वर्क करता है वो सैमसंग का ऐप स्टोर, जहाँ से आप जो सैमसंग आपको एप्लीकेशन देता है अपने टीवी में ऐड करने के लिए, जैसे कि गूगल का होता है प्ले स्टोर, वैसे सैमसंग का अपना ही एक ऐप स्टोर है। यहाँ पे प्रॉपर देख पाएंगे ये है सैमसंग का ऐप स्टोर, जहाँ पे सिर्फ सैमसंग की जो एप्लीकेशन है जो सैमसंग देता है आपको टीवी में एप्लीकेशन ऐड करने के लिए। तो गाइस देख पा रहे हैं आपको सारी एप्लीकेशन मिलेगी, जैसे कि सोनी लिव हो गया या दूसरी एप्लीकेशन होती है, जैसे कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी आप प्रॉपर देख पाएंगे, जितने भी लाइक नेटफ्लिक्स जैसे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि सोनी लिव हो गया, बालाजी एप्लीकेशन होगी, वो प्रॉपर देख पाएंगे। अगर बात करें गेमिंग की, तो भी मैंने गेमिंग का चेक नहीं किया, गेमिंग पे प्रॉपर चेक करेंगे हम कि इसमें कौन सी गेम वर्क करती है। बेसिकली यहाँ पे गेमिंग मोड आप मिलता है आपको इस टीवी में। और अगर आपके पास एक्सबॉक्स है, आपके पास PS5 है, तो वहाँ पे आप प्रॉपर कनेक्ट कर सकते हैं अपने टीवी को उन गेमिंग मोड से। तो गाइस ये था आज का स्मार्ट टीवी, जो कि सैमसंग का स्मार्ट टीवी है, 32 इंच का स्मार्ट टीवी, काफ़ी अच्छा स्मार्ट टीवी है। मेन चीज़ ये है कि गाइस ये है मेड इन इंडिया। अगर आप बात करें वोकल फॉर लोकल के लिए, गाइस ये स्मार्ट टीवी काफ़ी अच्छा मिल रहा है आपको, 32 इंच का स्मार्ट टीवी है। प्राइस बहुत कम है स्मार्ट टीवी का, जो कि 13,999 रुपये इसका प्राइस है। मैंने बाय किया ऑनलाइन अमेज़ॉन से। आप चाहते हैं इसको बाय करना या इसके बारे में चाहते जानना, तो इसका मैंने लिंक ड्रॉप कर दिया, आप प्रॉपर चेक कर सकते हैं। आप वहाँ पे आपको अच्छे ऑफर में देखने को मिलेंगे स्मार्ट टीवी के। दोस्तों ये था आज की वीडियो में, आप कोई भी कमेंट्स है टीवी को लेगा इस डू कमेंट्स, अपने कमेंट्स शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए टेक्टोस विद लवकेश में, गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे पेज को। टिल टाइम, जय हिंद।